नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। आज दोस्तों अपडेट करूंगा मैं नई नई जानकारियों से। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि बेईमानों को क्यों तेजी नहीं अच्छी लग रही है। आलू की जो तेजी आई है 2-3 दिन से, वो बेईमानों को दलालों को क्यों पसंद नहीं आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम दोस्तों आज बात करेंगे आलू के भाव के बारे में, कौन कौन सी मंडियों में तेजी बरकरार है या भाव डाउन हुए, क्या कारण है, कैसे व्हाट्सएप ग्रुपों से भाव डालने वाले गायब हो जाते हैं। जो मंडियों के ग्रुप हैं बड़ा मुश्किल से भाव डालते हैं दोस्तों, खासकर महाराष्ट्र के जो ग्रुप हैं वो कैसे गायब हो जाते हैं, वो लोग कैसे प्रेशर में आ जाते हैं लोकल व्यापारियों के कारण। उन्हें मालूम है कि दोस्तों आज आलू में अगर तेजी है तो किसानों को अपडेट हो गया तो भाई किसान बेचेंगे नहीं, और फिर किसान भी महंगे अपने आलू के दाम मांगेंगे। तो ये सोशल मीडिया के व्यापारियों के लिए ड्रॉबैक है, उन्हें बहुत बुरी लगती है सोशल मीडिया। उन्हें यूट्यूब से इतना बड़ा परहेज है, वो लोग गाली देते हैं, वो लोग कहते हैं अरे नहीं। और कुछ दलाल यूट्यूब चैनल वाले जो उनकी गोद में बैठे हुए हैं उन लोगों से बड़े खुश रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग तेजी मंदी के प्रचारक हैं, तेजी के प्रचारक नहीं है। मैं एक आप लोगों को चीज़ बता देता हूँ, तेजी आने पर लोग गायब हो जाते हैं, तेजी आने पर लोग वीडियो बनाना बंद कर देते हैं, और मंदी आ जाती है तो उसका प्रचार करने लगते हैं। मंदी की अगर बात करनी है तो तुरंत जानकारियाँ चर्चाएँ शुरू कर देंगे, और तेजी आ जाएगी तो चर्चाएँ सारी बंद हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है दोस्तों कहानियाँ, क्योंकि किसान क्या दे देगा किसी को, व्यापारी लोग तो अपना प्रचार प्रसार के लिए पैसा भी दे देते हैं, किसान नहीं देंगे पैसा, भाई किसान के पास अपनी ऐसी व्यवस्था कहाँ है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, और कुछ क्या कारण है कि बेईमानों को तेजी पसंद नहीं आ रही, सबसे बड़ी चीज़ है। और बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए, और उनके बारे में समय आने पर जिक्र किया जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों को हमसे परहेज है वो चैनल को छोड़ के फटाफट चले जाएँ स्पीड से, ठीक है ना, वो लोग देखा नहीं करें। क्योंकि आप अगर आपको परहेज है और आपको हमारी जानकारी समझ में नहीं आती है तो क्यों बेकार अपना टाइम बर्बाद करते हो, तुम्हारे से कोई कहने जो दाता नहीं है, तुम्हारे घर तो कोई गया नहीं है कहने के लिए कि आ जाओ फिर शर्मा जी का वीडियो ही देखो। जिन लोगों को शर्मा जी से प्यार है वो लोग तो देखते ही देखते हैं, और वो लोग जानकारी लेते हैं। कितना भी अगर हम बिजी रहे दोस्तों, पर वीडियो ज़रूर डालेंगे आप लोगों को जानकारी देने के लिए, और सबसे पहले अपडेट करेंगे सुबह ही। और इस जानकारी लेने में टाइम लगता है, कोई ऐसे नहीं आ जाती हैं जानकारियाँ। तो दोस्तों बात करें तेज़ी बरकरार है कि डाउन हो गए भाव, तो मैं पहले ही बता दूँ आपको कि तेज़ी बरकरार है हर मंडी में। आज साउथ की मंडियों में चेन्नई और कुछ मंडियाँ तो 1-1 रुपये और टाइट हुई हैं, और बेंगलोर मंडी में तेज़ी बरकरार है। और बेंगलोर मंडी का तो ग्रुप है ऑल इंडिया पोटैटो मर्चेंट करके, ऐसे करके ग्रुप है, उसमें तो भाव आते ही रहते हैं, तो सारे स्टोर वाले ज़्यादातर उसमें जुड़े हुए हैं और वो लोग अपडेट लेते रहते हैं वहाँ से, ठीक है। वो भी बीच में भाव डालना उन्होंने ही बंद कर दिया था, पर जे के शुरू कर दिया उन्होंने। और मेरे जितने भी सम्मानित किसान और व्यापारी भाई हैं उनसे मैं कहूँगा कि आलू भेजा करें तो ईमानदार लोगों के आलू भेजें। इस समय सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्टें आती हैं जो बेईमान आड़ती हैं, जो चोर आड़ती हैं वो डालते रहते हैं, उन लोगों से बचें। पहले जाकर उसकी दुकान देखें कुछ है कि नहीं है व्यवस्था, तब जाकर आलू भेजने का काम करें। ये नहीं करें कि ऐसे ही आलू आपने लाद के भेज दिया, बाद में फिर पेमेंट के लिए भागते फिर रहे, तो ऐसा काम नहीं करें। समझदारी से अपना काम करें, अगर कोई व्यापार कर रहे हैं किसी भी चीज़ का तो समझदारी के साथ करें, उसमें लाभ रहेगा आप लोगों को, ठीक है। बात करेंगे अब, शुरुआत करते हैं भाव के बारे में। तो सबसे पहले लेंगे आज बंगाल की अपडेट। तो दोस्तों बंगाल में आज जो VVIP आलू के रेट खुले हैं, जो बढ़िया आलू ज्योति आलू 700 से लेकर 740 रुपये 50 किलो के भाव, आंध्रा वो क्वालिटी का हल्की क्वालिटी का थोड़ा 19 आलू वो बिक रहा है 650 से 670 रुपये 680 रुपये, गड्ड बिक रहा है दोस्तों 580 से लेकर 580 रुपये 90 रुपये 50 किलो के भाव। निकासी सुपरफास्ट है, निकासी बहुत बढ़िया चल रही है, बारिश होने के बाद निकासी में और स्पीड पकड़ी है बंगाल में। बात करें दोस्तों MP इंदौर की, तो वहाँ पे कोल्ड स्टोर पे आलू 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक छिपसौना बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी का 14 से लेकर 15 रुपये किलो। पर एक नई खबर आ रही है दोस्तों इंदौर से कि जो वेफर नहीं पास हो पा रहा है, छिपसौना 1 जो आलू है दोस्तों वो वेफर मतलब पासिंग होने में चिप्स के लिए बड़ी दिक्कत कर रहा है इस बार, ठीक है। तो लोग सोचेंगे अगली बार कोई नई वैरायटियों की तरफ वो लोग मुड़ें, तब जाके उनको चिप्स में आलू जाने में उनको लाभ रहे, ठीक है ना, क्योंकि कोई कारण रहता है, ड्राई मैटर है, सौ चीज़ें मीठा खट्टा जो भी चीज़ें होती हैं इसी चक्कर में पास होता है, ज़्यादा मुझे जानकारी तो है नहीं है, ठीक है। दोस्तों बात करें दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, तो 50 किलो के आज भाव बताऊंगा दोस्तों, ये 50 किलो के कट्टे के भाव हैं। बात करें तो 87 गाड़ी की दोस्तों आमदनी है, चंदौसी का एक्स्ट्रा सुपर छिपसौना 700 से लेकर 750, आगरा अलीगढ़ का छिपसौना बिक रहा है 550 से लेकर 650 रुपये, चंदौसी का सूर्या 900 से 1050 रुपये, सूर्या तो मजा ही मजा कर देता है, आगरा अलीगढ़ का सूर्या 700 से लेकर 750, एक्स्ट्रा सुपर 3797 मोटा 550 से लेकर 600 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 3797 आगरा अलीगढ़ वाला हल्की क्वालिटी का 450 से लेकर 500 रुपये,
550 रुपये तक, हाइब्रिड आलू 400 से लेकर 550 रुपये तक बिक रहे हैं, LR बिक रहा है 600 से लेकर 650 रुपये। बात करें दोस्तों नालंदा बिहार मंडी की, तो हॉलैंड आलू 13 से लेकर 14 रुपये किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 11 से लेकर 12 रुपये, गुल्ला बिक रहा है 10 से लेकर 11 रुपये और हल्का गुल्ला बिक रहा है आपका 9 से लेकर 10 रुपये। बात करें चंपारण मंडी की, चंपारण मधुबन मंडी की, वो 40 आलू 13 से लेकर 13.5 रुपये किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो, हॉलैंड 15 से लेकर 16 रुपये किलो बढ़िया बिक रहे हैं, हल्के हॉलैंड 13 से लेकर 14 रुपये किलो बिक रहे हैं और हल्की क्वालिटी का 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक दोस्तों बिक रहा है जो है सफ़ेद आलू। ठीक है, सफ़ेद आलू सॉरी बढ़िया क्वालिटी का A1 क्वालिटी का बिक रहा है दोस्तों 13 से लेकर 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का दोस्तों बिक रहा है आपका 11 से लेकर 12 रुपये किलो तक। बात करें दोस्तों कानपुर मंडी की, तो आज 20 गाड़ी है मात्र कानपुर मंडी में, क्योंकि दोस्तों लोडिंग पीछे से हल्की हो गई, बारिश हो रही इस वजह से गाड़ियाँ लोड नहीं हो पाई, कुछ किसानों का मूड नहीं है बेचने का, जरूरी भी नहीं है हर समय मूड रहे बेचने का, मत बेचो जब मूड नहीं है तो 20 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर मोटा आलू 10 से लेकर 11 रुपये, 11.5 रुपये, 12 रुपये किलो बिकाए, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो, गुल्ला बिकाए 8 से लेकर 8.5 रुपये, 9 रुपये किलो कानपुर में बहुत बढ़िया गुल्ला, हल्की क्वालिटी का दोस्तों 6 से 7 रुपये किलो, हॉलैंड 11-12 13 रुपये किलो बहुत बढ़िया, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो, C40 10 से 11 रुपये किलो तक, और चिप्सोना दोस्तों बिक रहे हैं 12-12.5 रुपये किलो बढ़िया चिप्सोना। बात करते हैं दोस्तों जयपुर मंडी की, तो जयपुर में आलू आज मोटा बिक रहा है 10 से लेकर 10.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से लेकर 9 रुपये किलो, हॉलैंड 11 से लेकर 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का हॉलैंड 8 से लेकर 10 रुपये किलो। हैदराबाद मंडी की बात करें तो 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक आलू बिके हैं आज 302+37.97, हल्की क्वालिटी के 13 से लेकर 14 रुपये किलो, 10-11-12 गाड़ी हैं आज मंडी में। बात करें दोस्तों जोधपुर मंडी की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिके 11 से लेकर 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का आलू 9 से लेकर 10 रुपये किलो जोधपुर मंडी में आज बिक रहा है। बात करें गुवाहाटी मंडी की दोस्तों, तो नॉर्थ ईस्ट में अच्छी तेजी है, आगरा का आलू एक्स्ट्रा सुपर 16 से लेकर 17.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से लेकर 15 रुपये किलो, और ज़्यादा हल्का बिक रहा, और दोस्तों फरुखाबाद का आलू बिक रहा है 15 से लेकर 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से लेकर 14 रुपये किलो। और कल मैंने कहा हल्का क्वालिटी का मतलब दोस्तों होता है जो मोटा आलू बहुत अच्छे रेट बिक रहा है उससे हल्के आलू, दोस्तों जैसे मोटे में ही थोड़े से क्वालिटी डाउन के आलू होते हैं। कल एक आदमी कह रहा कि अरे हल्की क्वालिटी का मतलब गुल्ला होता है, अब गुल्ले के भाव में अलग बताता हूँ, अब बिना पढ़े लिखे इतने आ गए हैं चैनल पे कि दिमाग ख़राब करने का काम करते हैं सिर्फ वो, ठीक है ना, जो किसान है वो तो एक मिनट में समझ जाते हैं। अब समस्या क्या है कि कहीं अकल बटरी होती तो मैं एड्रेस बता देता कि यहाँ जाके भाई साहब ले लो, ठीक है। कुछ दुनिया भर के तमाम यूट्यूब चैनल भी ऐसे चल रहे हैं जिनके पास बुद्धि का विकास ही नहीं उनका हो पा रहा है। अब अंगूर अब क्या बताऊँ मैं आपको। बात करते हैं दोस्तों बंगाल की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 13 से लेकर 13.5 रुपये किलो बिक रहा है बंगाल का आलू गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट में, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो। पूना मंडी की बात करें तो रिकॉर्ड अराइवल आज भी दोस्तों 35 से 36 गाड़ी है पूना मंडी में अब बैलेंस पकड़ के, और एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 12 से लेकर 13 रुपये किलो, 13.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से लेकर 12 रुपये किलो, और ज़्यादा हल्का 10 से लेकर 11 रुपये किलो। बस दो मिनट भाई साहब, तो बात करें दोस्तों पूना में तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 12 से लेकर 13 रुपये, 13.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से लेकर 11 से 12 रुपये किलो, और ज़्यादा हल्का 10 से 11 रुपये किलो बिक रहा है। पूना में रिकॉर्ड तोड़ा आमदनी है दोस्तों, और महाराष्ट्र की सही मंडियों में दो दिन से आमदनी काफ़ी है। मधुरी मंडी में आलू एक्स्ट्रा सुपर 19 से लेकर 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से लेकर 19 रुपये किलो, और हल्के 16 से लेकर 17 रुपये किलो। बात करें तिरछी की, तो तिरछी में एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 18 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 17 रुपये किलो, और ज़्यादा हल्का 13 से लेकर 15 रुपये 14 रुपये किलो। बात करें चेन्नई की, तो 16 गाड़ी है चेन्नई में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 18 से 19 रुपये किलो बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 15 से 16 रुपये किलो। बात करते हैं दोस्तों बेंगलोर की, तो 17,000 कट्टे की आज आमदनी है, एक्स्ट्रा सुपर आलू 17 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 16 से लेकर 17 रुपये किलो, और हल्का 14 से लेकर 15 रुपये किलो। किसान इतने जागरूक हैं, किसान जाकर वीडियो दिखा देते हैं कोल्ड मालिकों को, व्यापारियों को, जिन कोल्ड स्टोर में सस्ता आलू बिक रहा है कि देख लो ये भाव मंडी में चल रहा है, आपके यहाँ क्यों नहीं तेजी है। तो दोस्तों तेजी अगर किसी के यहाँ नहीं है दोस्तों, तो ऐसी जगह पे आलू रखना अगली साल बिल्कुल बंद कर देना। जिन कोल्ड स्टोरों में आलू अच्छे रेट बिक रहे हैं उन्हीं कोल्ड स्टोरों का रुख करें और उन्हीं कोल्ड स्टोरों में आलू रखें। कोई किसी के ऊपर फाउंडेशन नहीं है, कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है किसान के ऊपर, चाहे यहाँ जाकर आलू अपना रख सकते हैं और अपने मज़े ले सकते हैं भाव के, अच्छे भाव के। ये नहीं होना चाहिए कि पता चले कि आलू मेहनत कर करके मर गए और 50 रुपये मद्दा बिक रहा है। बहुत से कोल्ड ऐसे हैं जिनमें हमारे टूंडला में ही देख लो, किसी कोल्ड में आलू बिक रहा है 625 रुपये बढ़िया आलू, किसी कोल्ड में 550 ही बिक रहा है, किसी में 580 बिक रहा है। तो ये क्या हो रहा है, व्यापारी तो भाई मंडियाँ तो सबरी एक ही है। हाँ किसी हो सकता है किसी व्यापारी की मंडी इधर उधर हो तो 10-20 रुपये का अंतर आएगा, तो सीधा सीधा 50-60-70-80 रुपये का अंतर, ये अंतर कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे ही बेईमानों को समझ में नहीं आ रही आलू की तेज़ी, बाकी वो लोग सिर्फ मिसगाइड करने का किसानों को काम करते हैं, उन्हें आलू की तेज़ी से परहेज है और ऐसे परहेज वाले लोगों से दूर रहें, ठीक है ना, क्योंकि किसानों के लिए
सोचना पड़ेगा उनको, तब जाके आलू की अच्छी व्यवस्था बनेगी। अगली साल कैपेसिटी भी बढ़ रही है, अब कैपेसिटी जो बढ़ रही है उसको भरने के लिए आलू ही चाहिए, उस तो बना नहीं जाएगा उनमें, आलू ही तो चाहिए, और आलू तब चाहिए मिलेगा उनको जब आलू की व्यवस्था बढ़िया रहेगी, ठीक है ना। अब किसान तो भाई आलू तो भरपूर कर ही रहे और करेंगे, और क्या जरूरी है, करना भी चाहिए, पर उनके लिए फिर अब और इतना भी नहीं हो रहा दोस्तों। इस साल भी बहुत से खाली रह गए जिनके दिमाग खराब थे, और जिनके इस साल दिमाग खराब है उनको अगली साल और मालूम पड़ जाएगा। तो इसलिए आलू की बिक्री बढ़िया तरह करवाते रहो, आपसे अभी से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, और जो तेजी है उसका लाभ किसानों को जरूर मिलना चाहिए। DM साहब ने भी फटकार लगाई है, DHO साहब ने भी उस दिन फटकार लगाई है, और नोटिस भी जारी किया है, नोटिस अपने फेसबुक ग्रुप में डाल दूंगा कि आलू के किसानों को उचित रेट मिले कोल्ड स्टोरों पर जो बिक्री हो रही है, और रजिस्टर्ड बढ़िया ईमानदार व्यापारियों से व्यापार कराएं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए मार्केट से ऊपर नहीं लिया जाए, और जब बात बनाने रेपुटेशन की जरूरत पड़ती है तो मार्केट से ऊपर भी खरीदा जाता है आलू। ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि सारे व्यापारियों को मरवा दिया जाता है, घाटे से इतना घाटा पड़ जाता है उनको कि उनकी हालत खराब हो जाती है। तो ये कुछ लोग अपना रेपुटेशन बनाने के लिए इस काम को भी कर लेते हैं। तो ऐसा इन चीज़ों में दिमाग ना लगाकर अपने किसानों के रेट अच्छे बिकवाने में आलू में दिमाग लगाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।